आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्फोसिस शेयर के बारे में और आज की डेट है 1 अक्टूबर 2019। तो इस जो शेयर के प्राइस है वो है, करंट प्राइस है वो है इसका 1665 रुपीज़, और जो आज ये खुला था वो भी 665.10 पे खुला था। इतना अच्छा इस मार्केट मतलब आज इन्फोसिस शेयर ने करा नहीं है। और हम लोग इसके कंपनी के बारे में देखें तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। लाइक आप अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बहुत पढ़ा होगा मतलब ओपन सीवी के बारे में, प्रोजेक्ट्स करती है, मतलब अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ओवरऑल इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी। और अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, यानी कि अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हो तब भी बहुत ही मतलब बिल्कुल चांस ना के बराबर है कि आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। और अगर हम लोग इसमें एम्प्लॉय देखें तो इसके 2.5 लाख एम्प्लॉय इस कंपनी में अभी वर्क कर रहे हैं, इन्फोसिस कंपनी में 2.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इसकी और बात देखें, ऑल टाइम थोड़ा और एनालिटिक्स को आगे बढ़ाए, ऑल टाइम हाई देखें तो ये जो शेयर लॉन्च हुआ था वो 1999 में हुआ था, 11 रुपये पे ये शेयर लिस्ट हुआ था। और आज के टाइम में इस शेयर की जो प्राइस है वो है 1665 रुपीज़। तो अब बात ये आती है कि आप लोग को शेयर खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदना चाहिए। तो भाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है, यानी आईटी सेक्टर का शेयर है। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आईटी सेक्टर का कोई भी शेयर खरीदते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 5 साल, मतलब कम से कम 5 साल तो उसको होल्ड करके रखे। अगर आप लोग 5 साल से ज़्यादा का सोच रहे हो तो भाई अगर 10 साल भी आप लोग होल्ड करके रख लोगे ना इस शेयर को, तो मैं आप लोग कह सकते हैं ये भी 1600 रुपये का जो शेयर है ना, ये आने वाले 10 सालों में 10K क्रॉस कर जाएगा, 10K से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है आने वाले 10 सालों में ये। क्योंकि इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी इतनी अच्छी, इन्फोसिस के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, और ये बात तो बिल्कुल मान नहीं सकता कि आप लोगों ने इन्फोसिस का नाम नहीं सुना हो। आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स या कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे होंगे। बहुत ही नामी कंपनी है इंडिया में ये, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। आप लोग इंडिया से बाहर भी इसके बारे में देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस कंपनी के ऊपर। मेरा मानना यही है कि आप लोग इसको बाय करें, होल्ड करें मिनिमम 10 सालों के लिए। उसके बाद जब आपको अच्छा प्रॉफिट लगता है तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, यानी कि BHS, जो मेरा करंट फॉर्मूला है, बाय होल्ड एंड सेल। सो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में।